हुए जल संकट और जल स्रोतों के गिरते जल स्तर के कारण जिला प्रशासन के द्वारा वर्तमान समय में नलकूप खनन में पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही आदेशित भी किया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, राजस्व विभाग सहित पुलिस अमला नलकूप खनन जैसे कार्यों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे। लेकिन सूत्रों की माने तो नई गढ़ी क्षेत्र के तथाकथित आला अधिकारी उच्च अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम नलकूप खनन का काम महज 3 से 5 हजार रुपए में करवाया जा रहा है और इसी चंद कमाई के लिए स्थानीय पुलिस अवैध उत्खनन में लगी बोरिंग मशीनों पर कार्रवाई करने की बजाय मशीन संचालकों को समय निहित कर बताते हैं कि आमुक समय में फला स्थान में बोरिंग की खुदाई करना। स्थानीय पुलिस के द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण बोरिंग मशीन संचालक दिन में तो यहां वहां अपनी बोरिंग मशीनें खड़ी करके रखते हैं, पर शाम ढलते ही चिन्हित स्थानों पर कमीशन के दम पर खुलेआम अवैध रूप से बोरिंग खनन काम में मशगूल हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार नई गढ़ी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अवैध रूप से कर रही बोरिंग मशीन को पकड़ने के लिए जिम्मेदार अमला नहीं पहुँच रहा है। ये मामला नई गढ़ी थाने क्षेत्र के देवरी गांव का है, जहां मंगलवार को देवरी गांव में खुलेआम बेरोक टोक बोर हो रहा है, जिसे देखकर अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी चल रहे अवैध नलकूप खनन के कार्य की स्थिति कुछ इस कदर है कि बोरिंग मशीन संचालक और पुलिस प्रशासन के बीच चल रहे साठगांठ से ही हैंडपंपों की खुदाई संभव होती है, जिसका कारण होता है कि संबंधित बोरिंग मशीनें संचालक और पुलिस के बीच प्रति हैंडपंप के हिसाब से अनुबंध निहित होता है और इसी के चलते किसी भी वक्त प्रतिबंध के बाद भी हैंडपंपों की खुदाई अनवरत जारी है। वहीं यदि कोई व्यक्ति जो परेशान है, जो कमीशन देने की स्थिति में नहीं है, उसके द्वारा पेयजल के लिए हैंडपंप की खुदाई कराई जाती है तो पुलिस महकमा रोक लगाने के लिए खड़ा हो जाता है। इस तरह से हो रहे कार्य से जहां जनता में आक्रोश है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्थानीय पुलिस धोखे में रखकर अपनी कमाई रूपी उल्लू सीधा करने में लगी हुई है।